हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद जुबैर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यहाँ पे एक ईयरफोन की, जो कि काफ़ी अमेजिंग सी है। काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल होती है और हर एक मामले में, लाउडनेस में, बेस में, सारी चीज़ों में एज़ पर माई नॉलेज अभी तक सबसे बेस्ट ईयरफोन हो जाती है अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस अंडर 500 रुपीज़ में। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, MI, Realme, Boat और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अंडर 500 रुपीज़ में ईयरफोन के लिए। वायर्ड ईयरफोन है ये, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बेस्ट वायर्ड ईयरफोन ही होती है गेमिंग या किसी चीज़ के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सो एनी डिले, लेट्स अनबॉक्स दिस ईयरफोन। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं अपने पैकेज को और देखते हैं इसमें क्या है, कैसी पैकेजिंग है। सो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हमने इसको अनरैप कर लिया है, और मैं एक चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे करके भेजी हुई है। सबसे पहले तो ये बाहर पैक था इस पॉलीथिन में, और इसके बाद इस बबल रैप में ये पैक था, जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ बन जाता है और कुछ भी डैमेज होने को प्रोडक्ट में इसमें कोई भी इशू नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Realme Buds 2 फील द रियर बेस। तो ये Realme Buds 2 है, Buds 2 Neo नहीं है। Buds 2 Neo इससे सस्ते आते हैं 100 रुपीज़, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। और Buds 2 जो है, इसमें काफ़ी अच्छा बेस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर Buds 2 मंगाया हुआ था। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फीचर्स देख सकते हैं इसके, 11.2 mm के यहाँ पे बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बिल्ट इन मैग्नेट्स मिल जाते हैं, अलावा डुअल एंटी ट्विनिंग केबल मिल जाती है आपको, इसके अलावा केबल ऑर्गेनाइजर मिल जाता है उसी के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसके हम प्राइसिंग एंड डिटेल्स में जाना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये Realme Buds 2 है, मॉडल नंबर इसका दिया है, स्पीकर साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर ऑरेंज मैंने मंगाया हुआ था, कलर ऑरेंज है, और इसके अलावा और सारे स्पेसिफिकेशन पावर दी गई है एंड ऑल। MRP यहाँ पे 799 रुपीज़ यहाँ पे दी गई है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कि ये मुझे कितने की मिली है और आपको सबसे बेस्ट प्राइस में कैसे मिल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमको कंटेंट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, रियल मी हमेशा अच्छी पैकेजिंग करती है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे कुछ हमें एक स्मॉल और कुछ यहाँ पे हमको लार्ज में ईयर टिप्स मिल जाती हैं, वो भी ऑरेंज कलर में है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी ईयरफोन रखी हुई है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ एक सेकेंड। जो कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर ऑरेंज कलर है यहाँ पे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और आप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक से एक फनकी सा लुक लगता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मत इस कलर के लिए जाइए, आप ब्लैक कलर वगैरह के लिए जा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसके लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर लगता है यहाँ पे। केबल ऑर्गेनाइज़र है, आप इससे रैप कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा मैस नहीं होगा ये। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारी केबल है, ये ब्रेडेड केबल, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्रेडेड केबल मिल जाती है यहाँ पे हमको, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ में सही रहती है और आसानी से डैमेज नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप कंट्रोलर मिल जाता है, ये मेन बटन मिल जाता है, ये वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन करने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो दी गई है, इससे आप मैग्नेटिकली आपके जो भी ईयरफोन्स हैं वो आपस में हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इस ईयरफोन को कुछ लगा कर टेस्ट करके देखता हूँ और आप लोगों को दिखा। सो दोस्तों, मैं अगर आपको यहाँ पे लेंथ दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं 1 मीटर लेंथ है यहाँ पे, और अभी मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन के साथ में कनेक्ट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ, और मैं बता दूँ इसमें जो ईयर टिप्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये मीडियम साइज़ डिस्प्ले ऑलरेडी लगे हुए हैं, और जो हमको स्मॉल और लार्ज मिल जाते हैं वो इसके अंदर हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट आउट करते हैं। दोस्तों, सिर्फ 20 सेकंड सुनने के बाद अगर मैं बता दूं
तो सिर्फ ये एक 600 रुपीज़ की ईयरफोन है जो नॉर्मली प्राइस रहता है, लेकिन इससे अच्छी अभी तक ईयरफोन मैंने नहीं सुनी है अपनी लाइफ में। इसका जो बेस है, जो बेस आया है, सिर्फ 10 सेकेंड में अभी मैंने सॉन्ग सुना है। अगर मैं आपको सुना सकता हूँ तो मैं अभी आपको माइक्रोफोन के थ्रू सुनाऊंगा भी, लेकिन इनक्रेडिबल, 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे मैं देना चाहूँगा इसके साउंड सिस्टम के लिए। लाउडनेस बहुत अच्छी है, बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको दूसरी किसी ईयरफोन से मिल ही नहीं सकता है। इसके अलावा क्वालिटी में मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको माइक्रोफोन से, अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ कि ये कैसी साउंड करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आपको इसका सैम्पल भी दिखाया कि कैसा साउंड करता है और इसका बेस कैसा है। तो आई होप आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसा है ये। तो अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ यहाँ पे एक वायर्ड ईयरफोन के लिए आपको 500 रुपीज़ के आसपास, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा रिकमेंडेशन कोई हो नहीं सकता है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हर चीज़ में ये मेरे लिस्ट में यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे कंसीडर करती है ये ईयरफोन। तो दोस्तों अगर आप इस ईयरफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्काउंटेड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके खरीदेंगे तो आपको एक लोअर प्राइस में प्लस उसके ऊपर कुछ कैशबैक के साथ में यहाँ पे डील देखने को मिलेगी, तो आप वहां से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों पे जरूर शेयर करें इस वीडियो को जिसको भी ईयरफोन लेना है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।